alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सवाल किया गया कि क्या कच्चा गोश्त खाना जायज़ है या नहीं. देखिए, कच्चा गोश्त खाने के सिलसिले में आइम्मा के दरमियान इख्तलाफ है. हमें आइम्मा के दो अकवाल मिलते हैं. बाज़ आइम्मा इसकी कराहियत के कायल हैं, वो कहते हैं कि कच्चा गोश्त खाना मकरूह है. लेकिन बाज़ आइम्मा इसकी जवाज़ के कायल हैं, वो कहते हैं कि कच्चा गोश्त खाना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है. क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी नस से हमें इसकी ममानियत नहीं मिलती, इसीलिए कच्चा गोश्त खाना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है. लेकिन एक शर्त के साथ जायज़ है. वो शर्त ये कि वो गोश्त खाने से आपके जिस्म को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचता हो. अगर उस गोश्त को खाने से आपके जिस्म को नुकसान पहुँचता है या आप बीमार पड़ते हो किसी तरह से कुछ भी, तो फिर कच्चा गोश्त खाना वो कहते हैं जायज़ नहीं है. क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने हाथों से खुद हलाकत में ना पड़ो. तो अल्लाह ताला मना करता है हलाकत में पड़ने को, मुसीबत में पड़ने को. इसीलिए अगर आपको लगता है उसको खाने से आप हलाकत में पड़ जाओगे, बीमार होगे या जिस्म को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा, तो फिर वो कहते हैं कि इसको खाना सही नहीं है. वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.